नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस समय जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो देश भर में रावण के सैकड़ों हजारों पुतलों का दहन हो चुका है या हो रहा है। आप जानते हैं कि अहंकार का नाश, असत्य पर सत्य के विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। खैर, विजयादशमी के त्यौहार के साथ साथ आज सुबह से देश की सियासत में बड़ा उफान आया है। आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का स्थापना दिवस भी है और हर साल संघ प्रमुख इस मौके पर खास संबोधन करते हैं। तो इस रस्म को अदा करते हुए आज भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भाषण दिया, लेकिन उससे अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल मोहन भागवत के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी और आरएसएस पर देश को तोड़ने और आतंक फैलाने का बड़ा आरोप लगाया है, उससे अब बीजेपी घिर गई है। आपको बता दूं कि मोहन भागवत ने आज हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने का आह्वान किया, बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा का सवाल उठाया। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन कोलकाता केस से लेकर दिल्ली की विविधता पर खतरे सबकी बात कही और खास तौर पर संविधान निर्माताओं का जिक्र भी किया। मोहन भागवत के भाषण में बड़ी चालाकी से कांग्रेस के उठाए मुद्दों को गलत साबित करने की कोशिश भी की गई और उसकी विचारधारा पर हमला किया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत इसका जवाब देकर बता दिया कि कांग्रेस ने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। तो देश की एकता को बनाए रखने की जो नसीहत आज भागवत ने दी है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है, आइए उसे बारी बारी से पहले सुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले सुनिए ये पहली बाइट मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया, मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं उसे दो हिस्सों में जरा सुनते हैं। पहला हिस्सा सुनिए। ये करने वाले ही बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को। तो सुन रहे थे आप, यहां करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को देते हो, ये बात कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक दूसरी बाइट सुनिए जरा, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जाजा है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है, और ऊपर से ये बात भी उन्हें कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही। तो साफ साफ यहां सीधा हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और साफ साफ बातें रखते हुए और कह रहे हैं ये टेररिस्ट पार्टी है, अटैक हम पे करते हैं, लेकिन करते वही हैं, यानी सीधा नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर और आरएसएस पर हमला बोलते हुए आज मल्लिकार्जुन खड़गे। वैसे आज मोदी ने खुद भागवत के भाषण को प्रमोट करने के लिए ट्वीट किया है दोस्तों,
मोदी ने, जी हाँ, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे मोहन भागवत के भाषण पर और उसके बाद बीजेपी पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के भाषण को ट्वीट कर रहे हैं, उस लिंक को शेयर कर रहे हैं। क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट में, आइए जरा देख लेते हैं। ट्विटर पर लिखते हुए यहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए यह संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। यह आखिरी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, लेकिन देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या यह आखिरी लाइन लिखना शोभा देता है, जिसमें लिख रहे हैं कि आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा आप। खैर, मोदी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। हालांकि पूछा जा सकता है कि यह कैसी सेवा है, कैसी सेवा है यह कि जब देश गुलाम था तो आरएसएस उसे आजाद कराने की लड़ाई से दूर था। खैर, मोदी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के उद्बोधन का जरूर सुनने की सलाह भी दी है। वैसे भागवत एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख ही हैं, वो किसी संवैधानिक संगठन या संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान नहीं है, फिर भी उनकी बातों को सुनने की सिफारिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आरएसएस और बीजेपी एक अटूट बंधन से बंधे हैं और बीच बीच में दोनों के बीच दरार की जो खबरें आती हैं वो गलत हैं, वो गलत ढंग से प्रचारित करवाई जाती हैं और ये सब उसी आरएसएस तंत्र का हिस्सा हैं। संघ जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर काम कर रहा है, बीजेपी अपनी सत्ता के जरिए उसे पूरा करने में जुटी हुई है और जुटी रहेगी, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। वैसे दशहरे का दिन केवल आरएसएस के लिए नहीं बल्कि शिवसेना के लिए भी खास रहता है। आप जानते हैं कि शिवसेना के लिए ये कितना खास है दशहरा का दिन, और अब शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल इसी की होड़ देखी जा रही है कि शिंदे गुट की दशहरा रैली में ज्यादा दम है या उद्धव गुट की दशहरा रैली में, उद्धव गुट की या शिंदे गुट की, इन दोनों का जो है इसमें कौन कहां है, किसमें कितना दम है, ये सब कुछ यहां दिखाने की कोशिश हो रही है। अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो दोनों गुटों की रैलियां हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, और दोनों गुटों ने अपनी तैयारियों की झलक दिखा दी थी पहले, अब वहां पर रैलियां हो रही हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे अपने शिवाजी स्टेडियम से मैदान से वो अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, उद्धव ठाकरे। शिंदे के प्रचार में शिवसेना का प्रतीक बाघ दिखाया गया है और इसमें पार्टी को कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए भी दिखाया गया है। वहीं उद्धव गुट का जो प्रचार हुआ है आज, उसमें महाराष्ट्र के गौरव पर केंद्रित था यह प्रचार और विद्रोही विधायकों को गद्दारों की तरह दिखाया गया है। दशहरे पर शिवसेना के दोनों गुटों का यह शक्ति प्रदर्शन असल में महाराष्ट्र चुनाव का टीजर है, कह सकते हैं कि ये टीजर ही है। बस देखना यह है कि इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर आते हैं या शिंदे ने जिस कुर्सी के मोह में बगावत की थी वो उनके पास बीजेपी बरकरार रहने देती है या नहीं। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच कि किस तरह दशहरे के त्यौहार पर असत्य पर सत्य की जीत से होते हुए राजनीतिक दबदबा दिखाने की कोशिश की गई और इस कोशिश में आखिर जीत किसे मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा और वाजिब सवाल है। और इन सवालों के बीच क्या हरियाणा से सबक लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो वही है, क्या यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ेंगे तो वहाँ एक सीधी चुनौती और बहुत बड़ी तैयारी या बहुत बड़े खेल की तैयारी हम देख रहे हैं, क्या कुछ है इस पूरे पिटारे में, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वो आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए जरा अपने तमाम साथियों से आपका परिचय करवाऊं, पैनलिस्ट साथियों से, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ तीन वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं।